बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, दिस इज चौधरी सोहेब फ्रॉम सेल एवरीथिंग। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आप सबको मेरे से बेहतर पता है कि अभी कुछ दिनों पहले नया बजट मंजूर हुआ है और हुकूमत ने नई ऑटो पॉलिसी में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए टोटली एग्जम्पशन दे दी है। किसी किस्म का टैक्स भी नहीं चार्ज किया जाएगा उन ऑटो मेकर से जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पाकिस्तान में प्रोवाइड करेंगे। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है कंज्यूमर से गाड़ी को यूज़ करने का, जिसे हम टोकन टैक्स भी कहते हैं, वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर एग्जम्प्ट किया गया है। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सुपर पावर पाकिस्तान में अपनी सुपर पावर ई कार लॉन्च करने जा रहा है, जो कि दो वेरिएंट्स पर मुश्तमिल होगी। इसमें एक वेरिएंट होगा जो टू डोर्स वाला होगा और दूसरा वेरिएंट फोर डोर्स होगा। दोस्तों इन गाड़ियों की कीमतें 6 लाख और 6.5 लाख रुपया होंगी। तो फुल डिटेल जानने के लिए वीडियो को एंड तक पूरा देखें। और अगर आप इस चैनल पर नए आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पर कर लें। 80% लोग ऐसे आते हैं हमारे चैनल पर जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, सिर्फ 20% लोग ही हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों आप भी हमें सपोर्ट करें। आपके सामने मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स पेश कर रहा हूँ, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 80% लोग ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें तो दोस्तों फ़ायदा आपका ही है। नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लीजिएगा। अभी आते हैं अपनी गाड़ी की तरफ। तो इस गाड़ी की स्पेसिफिकेशन मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ। इस गाड़ी की स्पेसिफिकेशन ये होंगी कि ये एक चार्ज पर 120 किलोमीटर ट्रैवल कर सकती है। और इसके अलावा ये गाड़ी चार्जिंग 7 घंटों में होगी, 7 घंटे लगेंगे इस गाड़ी को चार्ज करने में। और ये नॉर्मल जैसे घर में हम UPS को पावर सप्लाई देते हैं 120 वोल्ट के ही ये गाड़ी चार्ज हो जाएगी। नॉर्मल घरों से हम किसी भी स्विच पर इस गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं, लेकिन इस गाड़ी का जो चार्जिंग पीरियड है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब कि 7 घंटे। इसके अलावा इन गाड़ियों में जो बैटरियाँ यूज़ होंगी वो भी नॉर्मल बैटरीज ही होंगी, ताकि हमें इन गाड़ियों की बैटरीज ढूंढने में कोई ज़्यादा किस्म की मुश्किल ना हो। गाड़ी के अंदर जो नॉर्मल फीचर्स होते हैं गाड़ियों में वो सारे आपको मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। इसके अलावा AC हीटर वगैरह भी आपको देखने को इन गाड़ियों में मिलेगा। इस गाड़ी में जो दो वेरियंट्स हैं, टू डोर और फोर डोर, जो फोर डोर वेरियंट होगा उसमें पैनारोमिक सनरूफ भी दिया जाएगा, जबकि टू डोर गाड़ी में ये सनरूफ नहीं होगा। बहुत ही मुनासिब इन्होंने प्राइस लॉन्च की है और अनकरीब पाकिस्तान में ये गाड़ियां आपको देखने को मिलेंगी। ये चाइनीज़ गाड़ियां हैं जो कि पाकिस्तान में इंपोर्ट होकर आएंगी या यहां पर ही इनका कोई प्लांट लगाया जाएगा। फ़िलहाल ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि पाकिस्तान में इतनी सस्ती गाड़ियाँ लॉन्च होने जा रही हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि आपको ये गाड़ी कैसी लगी। इसी के साथ अपने भाई को इजाज़त दीजिए, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।